वैक्यूम और कार्पेट कैसे क्लीन करती हूँ वो दिखाऊंगी। डाइसन का साइक्लोन V10 करके है जो मेरा वैक्यूम है, और मतलब बैटरी जब आप ओवर मतलब 5-6 घंटा चार्ज करेंगे तो करीबन 20 मिनट चलती है, इंशन ही फ्री हो जाओगे, फिर आपको पोछा मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्राउन का है, टिपिकल लड़की है नविष्णा ना, 8:30 बजे ऐसा ही धूप होती है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मैं स्नेहा सिंह आपका स्वागत कर रही हूँ मेरे चैनल में इंडियन मॉम्स स्नेहा इन जर्मनी व्लॉग्स में। आज अभी करीबन 8 बज रहे हैं और आप बाहर इतना घना घना अंधेरा हो रखा है, बादल गिर रखे हैं कि पता नहीं बारिश कब हो जाए, कुछ पता नहीं है। अभी फ़िलहाल मैंने अपना सब किचन विचन निपटा लिया था, अपना क्लीनिंग कर लिया, सुबह ही बन गया था क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस गए थे, तो आज मेरा सब कुछ काम कम्प्लीट हो गया था मॉर्निंग में ही। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं अपने बैठ के थोड़ा सीरीज़ ख़त्म कर रही थी, कुछ देख रही थी, क्योंकि फास्टिंग का दिन है तो कुछ करने का है भी नहीं। तो आज का मेरा दिन जो है वो किचन मैंने निपटा लिया है, बस अभी थोड़ा वैक्यूम वगैरह क्लीनिंग करना है, जो आज मैं आपके साथ करूँगी। मैं आज आपको अपना वैक्यूम दिखाया है वैसे मैंने कई बार, लेकिन वैक्यूम और कार्पेट कैसे क्लीन करती हूँ वो दिखाऊँगी मैं। फिर वो करने के बाद देखते हैं फिर कैसा होता है आगे का दिन। थोड़ा नविष्णा को नीचे भी ले जाना है, मैं सोच रही हूँ उसे थोड़ा नीचे भी चले जाऊँगी थोड़ा खेलने वेलने, और फिर आने के पूजा वूजा करने के बाद ले जाती हूँ या पहले ले जाती हूँ वो ज़रा देखूँगी, लेकिन फिर नहलाना वहलाना भी रह जाएगा उसका, तो ये सब करेंगे। अभी आज ही पूरा दिन ऐसा ही है, खाना वाना का देखते हैं कैसा, शाम को क्या बनाना है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे उन्हें कुछ बाहर से खाना है, तो शाम को शायद वो कुछ सब कुछ लेके ही आएंगे। लेट्स सी कैसा जाता है दिन, पर अभी तक का ऐसा है। चलिए दोस्तों, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे, आपको थोड़ा गुड मॉर्निंग करने आई थी, अब थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। थोड़ा टीवी अपना वैक्यूम माने यहाँ पे ऑलरेडी सामान सब कुछ हटा दिया है, नविष्णा ने पूरे घर की हालत खराब कर रखी है। सोफे की हालत दिखाऊंगी तो आप बोलोगे कितना बुरी हालत में है, लेकिन मैंने फिर भी बहुत कुछ सामान वहाँ पे रखा है। कुछ सामान आपको दिख रहा होगा ट्रॉली में भर के, उसके यहाँ कुछ सामान रखा है, कुछ उस कमरे में रखा है, कुछ उस कमरे में रखा है, तो उसका हर जगह का सामान रखा है, और उस सामान को कोई हिला नहीं सकता वरना वो उधम मचा देगी और वो सब सामान ले आके फिर से फैला देगी। तो इसलिए उसके सामान को छोड़ के बस वैक्यूम मार लेती हूँ मैं फटाफट। वैक्यूम मारने के बाद मैं थोड़ा सा सोफ़ा वगैरह ठीक कर लेती हूँ, तो आज ही क्लीनिंग कर लेते हैं फटाफट, और आप मेरे साथ बने रहिए। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा कारपेट वगैरह भी साफ़ करना है, तो वो भी हम आप ही के साथ करेंगे। कैसे करती हूँ, वैक्यूम मारती हूँ और कारपेट को थोड़ा सा अच्छे से घिस के साफ़ करती हूँ, तो मैं आपको दिखाऊँ। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I'm crazy, I'm bad. Only God wants
back. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm back. सोफा वगैरह है, ये देखिए कैसी हालत कर रखी है नविष्णा ने, उसकी कैसी हालत कर रखी है, घर की सफाई मतलब वैक्यूम वगैरह हो गया। कोशिश कर रही हूँ हर रोज ना एक एक हाथ ऐसे यहाँ वहाँ मार लो, तो वो भी हो ही चुका है ऑलमोस्ट। देखिए मैंने यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि इसी में बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, तो फिर मैंने सोचा पहले वैक्यूम में मार लेती हूँ। और दोस्तों एक और चीज़ आपको अगर मेरे वैक्यूम के बारे में जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक बार बताया हुआ है, ये जो है डाइसन है, डाइसन का है, और ये डाइसन का साइक्लोन V10 करके है जो मेरा वैक्यूम है, और ये जेन्युइनली बहुत बहुत अच्छा वैक्यूम क्लीनर है। मतलब डाइसन का वैसे सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मुझे और प्रोडक्ट के बारे में तो कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट मैंने सुना इसका हेयर ड्रायर वगैरह ये सब बहुत अच्छा है, पर मैं इसकी गारंटी दे सकती हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और इसके मतलब बैटरी जब आप ओवर मतलब 5-6 घंटा चार्ज करेंगे तो करीबन 20 मिनट चलती है, 20 मिनट अच्छे से चल जाता है। अगर यहाँ पे जैसे लो मीडियम और हाई स्पीड पे है, हाई स्पीड पे जाएंगे तो 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं चलता है क्योंकि वायरलेस है, तो 10-15 मिनट चलता है, लेकिन 10-15 मिनट में आपका घर इतना क्लीन कर देगा ना कि आपको मतलब टेंशन ही फ्री हो जाओगे, फिर आपको पोछा मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर नॉर्मल मीडियम रेंज पे मीडियम पे रखेंगे तो वो 20 मिनट तक चलता है, तो 20 मिनट में मेरा पूरा घर साफ हो जाता है, सोचिए इतनी जल्दी काम करता है। पर ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं बोल सकती हूँ बहुत अच्छा। हाँ, एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो वैक्यूम क्लीनर है उसके रेंज के हिसाब से ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट जो जितना इसका प्राइस है वो सारा काम करता है। और इसका फिल्टर वगैरह क्लीन करना होता है जो मेरे हस्बैंड करते हैं, और यहाँ पे जो निशान आ जाता है फिल्टर का निशान आता है कि फिल्टर क्लीनिंग करना है। अभी देखिए मेरे घर से इतना कचरा निकला, स्पेशली मेरे ये जो कारपेट है उसमें बहुत गंदगी हो जाती है, तो कारपेट मुझे क्लीन करना ही पड़ता है, तो ये फिल्टर क्लीन करना ज़रूरी होता है, महीने में एक बार फिल्टर धो के रखना पड़ता है। तो जब मेरे हस्बैंड इसको आज क्योंकि हमें दिखा रहा है, साइन दिखा रहा है कि इसका फिल्टर क्लीन करना है, तो अगर मेरे हस्बैंड फिल्टर क्लीन करेंगे तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी कैसे क्लीन होता है, पूरा उसका ट्यूटोरियल दे दूंगी। तो चलिए बाकी का अपनी क्लीनिंग कर लेते हैं और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी। Caught up in this life, I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. On my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane. सब जगह क्या हो गया? सब किचन का रह गया। किचन का अभी फटाफट मैं मार लेती हूँ और फिर इसके बाद बिस्तर ठीक करती हूँ। आपने देखा होगा नविष्णा ने क्या हालत कर रखी है बिस्तर की, तो बिस्तर भी ठीक करना बचा हुआ है, तो वो करके फिर मुझे नहाना है, नहा के फिर पूजा करूंगी और फिर नविष्णा को भी नहलाऊंगी। फटाफट किचन साफ करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों अभी देखा आपने क्लीनिंग हो गई ऑलमोस्ट डन,
थक जाता है यार, पता नहीं क्यों आजकल सुबह सुबह से काम करते करते ना बिल्कुल बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं रह जाती, आराम बहुत कम मिलता है। अभी ये कर लिया है, अभी जा रही हूँ थोड़ा कपड़े वगैरह लगाने, वो भी करूँगी, और साथ ही साथ अब नहाने जा रही हूँ, नहा के पूजा पाठ करने जा रही हूँ, और नविष्णा को भी नहलाने नहा के आऊँगी, फिर नविष्णा को भी नहला दूँगी। तो अभी ये काम कर लूँगी फटाफट। घर तो क्लीन एकदम से हो गया है, वैक्यूम मार दिया, किचन क्लीन कर दिया, बेड भी सेट कर दिया, अब ऑलमोस्ट सब डन है। तो अभी ये जा रही हूँ नहा के फटाफट नविष्णा को भी नहलाती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों अभी मैं नविष्णा को नहलाने ले जा रही थी, तो मैंने सोचा आपको एक अपडेट दे देती हूँ। अभी नविष्णा को नहला के लेकर आऊँगी और उसके बाल को आज ब्लो ड्राई से मतलब वो करूँगी, ड्राई करूँगी, बिकॉज कल उसको हेड मसाज किया था मैंने, ऑयल किया था मैं। वैसे नविष्णा को अल्टरनेट डे मतलब तेल लगाती हूँ, रोज तेल नहीं लगाती, और अल्टरनेट और दो हफ्ते में दो से तीन बार ही उसके बाल धोती हूँ। तो उसके ब्लो ड्राई करके उस फिर उसे नीचे ले जाऊँगी थोड़ा खेलने के लिए, लेके साथ में। और दोस्तों मेरे ना चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, तो शायद मैं डॉक्टर के पास इसके लिए जाना ही पड़ जाएगा मुझे। तो अब मैं देखती हूँ कब का डेट मिलता है, क्योंकि बहुत पिंपल्स आ रहे हैं, बहुत मार्क छोड़ के जा रहे हैं। मैं इसको नहला के फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी। नविष्णा को लेकर आ गई नहा के, और उसकी आवाज़ सुन रहे होंगे, इतनी मस्ती करती है नहाने के टाइम पे, और इतनी मस्ती करती है ना कि क्या ही बोलना। देखिए उसके पैर बहुत बहुत नौटंकी करती है, तो अभी उसे तैयार Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up, cash in the bag. ये देखिए नविष्णा तैयार है, भूत बनी हुई है अभी। अब इसका हेयर ड्रायर मत कर रही हूँ, बालों को हेयर ड्रायर करके फिर मिलती हूँ। Baby, I'm bad, baby, I'm bad, baby, I'm bad. ड्रायर देख रहे हैं, ये ब्राउन का है और ये बहुत अच्छा ड्रायर है, मुझे लिए करीबन 4 साल हो गए, बहुत ही अच्छा है। इसमें कोल्ड एंड हॉट दोनों मोड है, तो नविष्णा के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ वो कोल्ड मोड यूज़ करती हूँ, मैं हॉट कभी उसको ड्रायर नहीं मारती। तो ये देखिए, ये मुझे तो बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा है। हालांकि मुझे सिर्फ ड्रायर के लिए यूज़ करना पड़ता है, हेयर ड्राइंग के लिए यूज़ करना पड़ता है, यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर कभी हम बाल धो के बाहर चले जाएंगे तो तुरंत ठंड पकड़ लेगी। इवन तो अभी अभी जो वेदर है उसमें भी ज़्यादा अगर बाल गीले हो तो ठंड पकड़ने के चांसेस रहते हैं ऐसे कि, तो मैं कभी स्ट्रेटनिंग वगैरह इससे कभी नहीं किया है। अगर आपको जानना है कौन सा है तो ये ब्राउन का है, तो ये दिखा दिया मैंने, मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो ये हो गया, अब नविष्णा के हेयर टाई कर लेती हूँ, वरना वो सब मुंह पे आ जाते हैं तो बहुत इरिटेट होती है, तो फटाफट उसको ट्राई। नविष्णा को देखिए क्या कर रही है, उसका लिप बम है, यहाँ पे होंठ बहुत फटते हैं ना, तो उसके बेबीज के लिप बम अलग आते हैं यहाँ पे, तो दिन भर लिप बम लगाती है। तो वो है ना एकदम टिपिकल लड़की है नविष्णा ना, समटाइम मेरे को लगता है इतनी लड़की कैसे है, उसे पिंक कलर बहुत पसंद है, उसके सारी चीज़ें पिंक कलर की है, प्लस अब देखिए उसे लिप बाम लगाना बहुत अच्छा लगता है, क्रीम लगाना बहुत अच्छा लगता है, हेयर क्लिप्स लगाना अच्छा लगता है, तो एकदम टिपिकल लड़की टाइप की बिहेव करती है कभी कभी। ये देखिए क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो जानू, क्या लगा रहे हो, तो नविष्णा के मैं बहुत सारे शॉर्ट्स डालती हूँ, उसके पुराने पुराने वीडियोस भी बोले, हाँ पुराने पुराने वीडियोस है, तो आप जरूर मेरे शॉर्ट्स में चेक करना, बड़े अच्छे लगते हैं उसके शॉर्ट्स। अभी उसे नींद भी आ रही है, उसकी आंखें देखिए। तो चलिए दोस्तों उसको सुला देती हूँ, ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ, सुला के फिर मुझे नीचे ले जाना है उसको। हो गया आपका, चलिए दोस्तों नो ओके, और बात देखना है अपने टीवी लगो, आपका टीवी लगो ओके। तो अभी मैं नीचे ले आई हूँ नविष्णा को, मैं और नविष्णा दोनों सो गए थे, नहलाया उसको, उसके बाद वो हम दोनों इतना नींद आ गई थी ना, हम ये तो सोई, साथ ही साथ मुझे भी सोना आ गया। अभी 8:30 बज रहा है, देखिए अब धूप देखिए 8:30 बजे ऐसी है। तो अभी मेरे हस्बैंड को सलाद वलाद बना के दे दिया, और मैं जस्ट नीचे लेके आई नविष्णा को, मैंने कहा कि चलिए थोड़ा उसको खिला देती हूँ, और अब देखो धूप देखिए वहाँ, धूप कितनी ज़्यादा धूप,
तो 8:30 हो रहे हैं अभी फिलहाल। ये देखिए, ये मैडम अभी वॉक कर रही है। अभी थोड़ा इसको यहाँ पे थोड़ा छोड़ूंगी ना, क्योंकि आज बाहर बिल्कुल आजकल थोड़ा बाहर नहीं जाती हूँ। उसके पापा वहाँ पे खड़े हैं, वो अपने पापा को नीचे बुला रही थी। अब देखिए ना 8:30 बजे, ऐसा ही धूप होती है यहाँ पे। ये समर टाइम है, अभी 1-2 महीने का ही समर बचा हुआ है। अभी ठंड आ जाएगी थोड़े दिन, मतलब मे बी सेप्टेम्बर, हाफ सेप्टेम्बर से ठंड आ जाती है यहाँ पे। तो मतलब धीरे धीरे फिर डार्कनेस छाने लगती है। फिर अभी हो गया 1-1.5 महीने का और समर बचा हुआ। ये देखिए आ गई। जहाँ मैं बैठूंगी वहीं पे जाके बैठना है इसने। चाओ खेलो तो सही, आप यहाँ क्यों आ गए? आशा ना जा खेलो, आप खेलो चाओ। मैडम को थोड़ा स्विंग पे लेके जाती हूँ, मैं जाऊँगी तो ही जाएगी वरना नहीं जाएगी। चलो दोस्तों फिर आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक्चुअली आज का जो दिन है वो सैटरडे का दिन है, और ये जो मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ वो फ्राइडे का है। एक्चुअली एडिटिंग के टाइम ही मुझे समझ में आया कि मैंने ब्लॉग की एंडिंग नहीं की है, तो मैंने सोचा आज अभी इसी टाइम पे एंडिंग कर दूँ इस ब्लॉग की, और आपको ये ब्लॉग कल मिलेगा, मतलब संडे मॉर्निंग में मिलेगा। तो और जो मैंने आज भी व्लॉग बनाया मॉर्निंग का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है। यहाँ के बोटेनिका गार्डन का मैंने घुमाया है, तो वो आपको मिलेगा मंडे मॉर्निंग में। आज मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया था, मतलब फ्राइडे का जो व्लॉग है वो संडे अपलोड नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैं संडे को अपलोड कर रही हूँ, और सैटरडे का व्लॉग आपको मंडे को मिलेगा। तो दोस्तों यही इसी नोट के साथ मैं आपको गुड नाइट बोलूँगी को बोलूँगी। अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को, और आपका प्यार दीजिए मुझे, सपोर्ट करिए, और थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ाइए, थोड़ा पूरा ब्लॉग देखिए, और हाँ ऐसे ही मेरे साथ देते रहिए। चलिए दोस्तों अभी गुड नाइट बोलूँगी, और प्लीज़ यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।